हेलो हेलो। हेलो, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आई होप कि सब लोग जुड़ गए होंगे। बिंदिया कुमारी, हीरो सत्यम, मनीष कुमार गुप्ता, विपिन राजपूत, मनीष कुमार, करण कुमार, रवि रंजन, विपिन राजपूत, जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं सब लोग जुड़िए। मैं शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले एडवांस मैथ्स में हम लोग देख रहे थे मैक्सिमम मिनिमम, और उसके दो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है। पिछले क्लास में बताया गया है कि वास्तविक संख्या अगर ऐसा हो एक्स वास्तविक संख्या हो और एक्स माइनस नाइन और एक्स माइनस टू का गुणनफल का मैक्सिमम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैक्सिमम मान नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम मान कभी नहीं पूछेगा, इसका पूछेगा मिनिमम मान। सुधार लीजिएगा, इसका पूछेगा मिनिमम मान। मैक्सिमम मान नहीं पूछेगा, इसका पूछेगा मिनिमम मान। बताइए मिनिमम मान क्या होगा? मिनिमम न्यूनतम मान पूछेगा, न्यूनतम मान, क्योंकि मैक्सिमम मान क्वाड्रेटिक का कुछ भी हो सकता है, इन्फिनाइट हो सकता है अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो। प्रियंका रॉय, नीरज कुमार, निराला खोखा, अमीकांत कुमार, आनंद अग्रवाल डुमरिया से हैं, धर्मवीर कुमार, सूरज भानु, प्रमोद कुमार आपका कलवा, रवि सिंह, रंजीत सनी, ये सहनी, ऋषभ राज गया। 11/2 आंसर बताते हैं सी। देखते हैं क्या सही है। सब लोग जुड़िए और बताइए आंसर इसका। धर्मवीर, चंदन कुमार सी बता रहे हैं, हीरो सत्यम। देखिए, आप लोग लगता है कि क्लास करने के बाद फिर से उसका देख नहीं रहे हैं वीडियो बढ़िया से, और इसीलिए शायद दिक्कत हो रहा है। पहले मैं डिस्कस कर दूं कि जो आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होगा जिसमें कि ए पॉजिटिव है, जहां क्या है, जहां ए बी सी पॉजिटिव है, ए बी सी पॉजिटिव है, तो एक्स बराबर -b/2a के लिए व्यंजक का मान मैक्सिमम होगा, व्यंजक का मान मिनिमम होगा। पिछले क्लास में बताए हैं क्या? समझिए बात को। तो जब भी ऐसा कोई इक्वेशन दे दे x-9 और x-2, सबसे पहले इसको गुना कीजिए, तो x² -9x-2x और +18 ये मिलेगा, और ये दिख जाएगा आपको x² -11x+18। सबसे पहले इसका मैक्सिमम मान निकालने, या सॉरी, इसका मैक्सिमम मान तो इन्फिनिटी होगा, मिनिमम मान ही पूछेगा हमेशा। मैक्सिमम मान इन्फिनिटी होगा, तो मिनिमम मान निकालने के लिए सबसे पहले x बराबर वैल्यू लीजिए। x बराबर वैल्यू लीजिएगा -b/2a, तो -b के जगह, यानी b के जगह पर 11 है तो 11 का 11, और a के जगह पर 1 है तो 2 का 2। 11/2 वह मान होगा जिसके लिए ये मिनिमम वैल्यू देगा। 11/2 इज अ वैल्यू फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव्स मिनिमम मान, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो 11/2 पुट कीजिए इसमें। 11/2 का स्क्वायर
माइनस 11 इंटू 11 अपॉन 2 और प्लस 18 जो भी आता है सॉल्व करके आंसर हो जाएगा। ये दिख रहा होगा 121 बटा 4 माइनस 121 बटा 2 ठीक है और प्लस 18 ये दोनों को जोड़ेंगे या फिर एलसीएम ले लीजिएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा और ये 121 है ना माइनस 242 और प्लस 72 अगर घटेगा तो 170 बचेगा 170 21 में से घटेगा तो 49 बटा 4 माइनस में बचेगा। आंसर इस तरह से हो जाना चाहिए आपका। ए क्या पिछले क्लास में ऐसा बताया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ये वैल्यू क्या आता है? ये वैल्यू वह वैल्यू आता है जिसके लिए इसका मान मिनिमम होगा, ऐसा नहीं कि यही मिनिमम मान होता है। तो आंसर है सभी का रवि सिंह 49 बटा 11 बजे वाला बैच आज लाइव नहीं हुआ था। रोशन सही पकड़े, आप अगर क्लास में होंगे तो इन्फॉर्मेशन पिछले वीडियो में बता दिया गया था। रोशन कुमार, दिवाकर कुमार, गोलू भाई, छोटू, अमिकांत, रवि, नित्यानंद, तो सभी लोगों का दिवाकर कुमार का माइनस 49 बटा 4 है ठीक है। सुभाष कुमार, सुभाष सिंह राजपूत ए आंसर बता रहे हैं, अमिकांत भी ए आंसर बता रहे हैं, तो तमाम लोगों का आंसर यही है। अगला सवाल आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जिनको दिक्कत है इसको लिख लीजिए। ये दोनों को गुना करने पर पहले तो ये मिलेगा, उसके बाद देखिए एक से गुना किए इसमें, पहले ये ऐसे दिया हुआ है हुआ ना, उसको गुना करके क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे। और जो ये वैल्यू आता है एक्स का जिसके मान के लिए ये मिनिमम होता है, इसको क्या कीजिए एक्स के जगह पर पुट कीजिए, तब ना मिनिमम वैल्यू आएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, लेकिन हाँ सबसे पहले एक्स निकालना है जिसके लिए मिनिमम होगा। तो मुझे लगता है कि आंसर बिल्कुल 49 बटा माइनस 49 बटा 4 होगा। रोशन कुमार 110 बता रहे हैं, नहीं यदि एक्स, यह अगला सवाल है, यदि एक्स फिर मैक्सिमम दे दिए हैं, ये मैक्सिमम के जगह पर होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि इसका जब भी मान निकलेगा क्या मिलेगा? मिनिमम निकलेगा, मैक्सिमम नहीं आएगा। मैक्सिमम तब आएगा जब एक्स के एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा, माइनस में होगा, लेकिन यहां पर मिनिमम मान ज्ञात कीजिए। बताइएगा, देखो इसको भी सबसे पहले गुना करना होगा x माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 5, गुना कीजिएगा तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10 और ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस 3x माइनस 10। अब इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है तो x का मान पहले निकालिए जिसके लिए मिनिमम होगा, इसका मान माइनस बी बटा 2 होता है, माइनस 3/2 यही हो जाएगा एक्स का मान, इतना मान के लिए मिनिमम होगा। मिनिमम मान आएगा, पुट कर दीजिए इसमें, मिनिमम मान क्या आएगा सो इसके लिए मिनिमम मान आएगा जब एक्स का वैल्यू इतना पुट कीजिएगा, माइनस 3/2 का स्क्वायर लिखिए और प्लस 3 × −3/2 और −10, ये आप एक तीन तिहाई 9/4 आ जाएगा और प्लस या और माइनस में हो जाएगा 3/9/2 और -10 होगा,
सही है। तो जब ऐसा होगा तो आप देखिएगा 9/4 होगा यहाँ पे, और 9/4 होगा तो 10 × 40 में से 9 गया, -39/4 होगा, -39/4 होगा। तो इसमें से कोई नहीं आंसर होगा, नन होगा आंसर, ठीक है, कोई नहीं आंसर होगा इसमें से, आंसर होगा -39/4। जिनका भी आ रहा है -49/4 होगा, जिनका भी आ रहा होगा सही होगा आंसर। क्यों? क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया, 4 आया, एलसीएम ले लिया 4, तो 9 × 9 होगा, 9 × 36 और -10 यानी 40 हो जाएगा। अगर चल 40 और 46 हो जाएगा, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर कहीं पे, एक बार और देखिए। आप एलसीएम लीजिएगा, नीचे होगा 4 × 9 होगा, -2 × 4 = 9 × 18 और -10 × 40, तो भाई -9 और -9 49 हो जाएगा, यानी कि आंसर होना चाहिए -49/4। जिनका भी आंसर आ रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ, दीपक कुमार सी रंजय थे कि सी तो आंसर नहीं है, ऑप्शन में से कोई है नहीं, नन होगा आंसर, आंसर हो जाएगा ये -49/4। दिवाकर, छोटू, रंजय, सुमित, सनी, रविशंकर, ऑप्शन में नहीं है, वेरी बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर बनाइए, आंसर लिखिए अमिकांत कुमार का 49/4 आ रहा है, और ईशा कुमारी का एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज नहीं, आपको मैक्सिमम मिनिमम का बताया जा रहा है एक्सरसाइज, वैसे ये मैक्सिमम मिनिमम होगा किसमें, 34 में, 34 का बताया जा रहा था थ्योरी, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, एक आधो सवाल आपको बनना शुरू हो गया होगा, सही है कि नहीं है, बनता है कि नहीं कुछ क्वेश्चन, जरूर वीडियो को लाइक करें बाबू, जितने व्यूवर हैं सभी लोग वीडियो को एकदम लाइक करें, और दोस्तों को भी बताएं कि भाई अभी मैक्सिमम मिनिमम चल रहा था, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसका हम डिस्कस कर रहे हैं, केवल अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कस किए हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं बाकी चीज़ों पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बात ले चलते हैं आगे, इसमें पहला समझना यह है कि अगर मान लो कि कोई भी ऐसा इस फॉर्म में हो, कोई भी इस फॉर्म में हो कि x + 1/x इसका स्क्वायर, x² + 1/x², x² + 1/x² के फॉर्म में अगर कोई भी रहेगा और इसका मिनिमम वैल्यू पूछता है, देखो मैक्सिमम इसलिए नहीं पूछेगा, मैक्सिमम कितना लोग पूछते हैं कि सर मैक्सिमम क्यों नहीं पूछेगा, मैक्सिमम इसीलिए नहीं पूछेगा क्योंकि मैक्सिमम इसका कुछ भी हो सकता है, एक्स का रियल मान जितना बड़ा लेते जाएंगे वैल्यू बढ़ाते जाएगा, मैक्सिमम इनफिनाइट हो सकता है, इसलिए जब भी पूछेगा तो क्या पूछेगा, मिनिमम पूछेगा। तो भाई आपको ऐसा वाला का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो सबसे पहले तो आंसर याद रखिए 2 होता है ये, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है 2, आंसर याद रखिएगा। लेकिन क्यों और कैसे, तो सबसे पहले इसको हम समझेंगे कि सर बहुतों को कन्फ्यूजन भी होता है कि -2 क्यों नहीं होगा, केवल +2 क्यों होगा, -2 क्यों नहीं, मैं दोनों को समझाता हूँ। देखो इसको मैक्सिमम लिखने का तरीका पिछले क्लास में हम देखे थे कि किसी चीज को होल स्क्वायर लिखिए, होल स्क्वायर में जो लिखने के बाद होल स्क्वायर के बाहर में जो बचेगा वही क्या होगा, मिनिमम होगा, आंसर होगा, बताए थे पिछले क्लास में, ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ में आया हो पिछले क्लास वाला, एक बार पिछला वीडियो, जो अगर वीडियो पिछला क्लास में आप लोग होंगे, देखो वीडियो 24 घंटे के बाद डिलीट होता है, बहुत लोगों का शिकायत है कि नहीं सर पहले ही डिलीट कर देते हैं, नहीं, आपको एक क्लास दूसरा स्टार्ट होने जाता है उसके पहले वाला एक्सरसाइज क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो आप लोग जो लोग वीडियो में जुड़े हुए हैं उनको ध्यान देना है कि आपको क्लास का जो वीडियो है सो अभी रहेगा नहीं बाबू, डिलीट हो जाएगा ये, चलिए 24 घंटे आपके पास वक्त है। अब देखो इसका मिनिमम वैल्यू ऐसे आंसर याद रखना 2, लेकिन कैसे, देखो दो चीजें हैं, इसको अगर होल स्क्वायर है तो मैं इसको होल स्क्वायर में चेंज तब कर सकता हूं जब 2 × x × 1/x रखूं, और इसके लिए मैं यहां पर ये वाला तो एक 2 आ जाएगा ना, तो -2 करूं, एक तो ये है कि इसके चलते आ सकता है होल स्क्वायर में, चूंकि आपने 2 जोड़ा है, अरे x से तो x कट जाएगा, इसमें आपने क्या जोड़ा 2, तो 2 घटाएंगे। और एक केस ऐसा भी हो सकता था कि आपको दे सकता है
कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर में माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स करते और यहां पर प्लस क्या होता, टू होता। ऐसे भी तो कर सकते थे। आप देखिएगा जनरली तो ये मिलेगा एक्स प्लस वन बटा एक्स का होल स्क्वायर ये और माइनस टू और ये मिलेगा एक्स माइनस वन बटा एक्स बटा टू। देखो देखो जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या होल स्क्वायर प्लस टू, जिनको ना समझ में आ रहा है वो समझिएगा आंसर क्या होता है टू। जिनको अगर तर्क समझना है तो ये पहले समझिए ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर में, डायरेक्टली लिख सकते थे भैया और मैंने तोड़कर बताया डायरेक्ट इसको इतना का होल स्क्वायर माइनस टू लिखेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, या फिर इतना का माइनस का होल स्क्वायर प्लस टू करेंगे तब भी आएगा। मिला जुला कर बात यह है कि आपको ये आ जाएगा। अब सवाल है कि सर इसका मिनिमम वैल्यू क्या माइनस टू होना चाहिए या फिर मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए प्लस टू होना चाहिए। तो माइनस टू और प्लस टू में डिपेंड करता है कि एक्स क्या है। अगर एक्स रियल है, ये तमाम काम हम पिछले क्लास में बताए थे कि रियल नंबरों के लिए होता है, इमेजिनरी के लिए कभी भी नहीं पूछेगा। तो जितने लोग ये समझ पा रहे होंगे तो वो रियल के लिए समझ रहे होंगे। रियल रहेगा ये हमेशा रियल। अब देखो रियल नंबर रहने के लिए ये वाला अगर ये माइनस टू होता है यानी कि ये अंदर वाला टर्म क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, अंदर वाला टर्म जीरो होना चाहिए यानी कि एक्स प्लस बटा एक्स बराबर जीरो होगा तभी ना ये मिनिमम वैल्यू टू हो जाएगा। और अगर ये जीरो होगा सॉरी इतना बराबर जीरो होगा तो रिजल्ट जानते हैं कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो और ऐसा रहने पर एक्स स्क्वायर बराबर वन होगा माइनस में और ऐसा रहने पर एक्स बराबर प्लस अंडर रूट प्लस माइनस वन हो जाएगा यानी कि इमेजिनरी आ जाएगा ये सॉरी प्लस में प्लस माइनस अंडर माइनस वन हो जाएगा यानी कि इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये वाला में अगर आप देखते हैं तो देखो यहां पर आपको टू लाने के मिनिमम वैल्यू टू होगा तो ये वाला होना चाहिए जीरो। आप ये देखिएगा ये जीरो लाने के लिए हमने क्या करेंगे कि एक्स माइनस वन बटा एक्स बराबर रहना चाहिए क्या जीरो और ये रिजल्ट देता होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो सॉरी हाँ जीरो और एक्स स्क्वायर बराबर ये देता होगा प्लस वन और एक्स बराबर मिलता होगा प्लस माइनस अंडर रूट वन। तो आप वन आंसर आ जाएगा वहां पे क्या। लेकिन इसमें क्या आएगा ये वाला इमेजिनरी है तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको याद रखना है इतना का हम माइनस में अंदर में होगा तभी टूट पाएगा और टू आएगा। ठीक है आप सीधा सीधा पॉइंट पर आ जाइए बात। ये वाला पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्स इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, काल्पनिक संख्या नहीं होना चाहिए। इमेजिनरी नंबर किसका था जिसके अंदर में क्या हो माइनस, वो क्या है काल्पनिक संख्या है। इसलिए काल्पनिक के लिए सेटिस्फाई ये चीजें नहीं है। तो आपको माइनस टू हालांकि ज्यादा छोटा आंसर था प्लस टू के रेस्पेक्ट में लेकिन आंसर कौन सा होगा प्लस टू क्योंकि एक्स का मान यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है किसके लिए इमेजिनरी हो जा रहा है और वैल्यू इमेजिनरी नहीं लेना है। क्लियर हुआ जी बात। जिनको ये तमाम बातें समझ में नहीं आ रहा है उनको इतना समझना है कि जब भी ऐसे देता है तो मिनिमम कितना होता है टू होता है। ठीक है और दूसरी बात अगर कभी भी ऐसा देगा कि भैया देगा यहां पर 16x² प्लस वन बटा x² का मिनिमम वैल्यू, जैसे मान लो कि ऐसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है ये तो जानवे करते हैं कितना होता है टू। अभी आपने सीखा है ध्यान देना है इसका मिनिमम वैल्यू टू होता है। लेकिन अगर कह दे सर एक्स स्क्वायर और पॉप बगल में ये यहाँ पर दे दे 25 और पूछे कि भैया एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा तो कुछ नहीं करना है टू लिखना है, टू तो होता ही है इसका लेकिन साथ में कोएफिशिएंट क्या है ऊपर में 25 तो उसके लिए क्या लिखेंगे पाँच लिखेंगे तो पाँच दूनी कितना हो जाएगा 10। समझ पा रहे हैं मिनिमम वैल्यू। लेकिन अगर ऐसा दे दें कि भाई 4x² प्लस 1/25x² इसका मिनिमम वैल्यू बता दो भाई साहब तो अगर ऐसा बोल पूछ देता है तो इसको लिखना है मिनिमम वैल्यू के लिए 2 × 2 × 1/5 लिखेंगे क्योंकि नीचे में ना है 25 तो यानी कि 4/5 मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है अगर आपको कभी भी इस तरह से देता है। हालांकि ये जनरली अभी तक दिया हुआ है तो ये 25 यहाँ बड़ा वाला 25 रहेगा यहाँ पे और यहाँ पर रहेगा कितना 4
तब हो जाता है इसका कितना, 2 इंटू 5 इंटू 1 बाई 2, रिजल्ट हो जाता है कितना, 5। एक चीज और है कि कई बार अगर ऐसा देगा ही नहीं तब, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर और यहां पर दे दे माइनस 5, तो इनका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो इनका मिनिमम वैल्यू के लिए आपको पता है कि कोई भी टर्म समथिंग प्लस रेसिप्रोकल में रहे ऐसे, तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, हमेशा 2 होगा, बशर्ते कि पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये समथिंग प्लस रेसिप्रोकल में मिनिमम वैल्यू देता है तो क्या हो जाएगा, 2, बशर्ते कि ये जो होना चाहिए सो रियल नंबर होना चाहिए, रियल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, कुछ भी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। अब यहां पर ये दिया हुआ है, लेकिन सर ये वाला कैसे हम निकालेंगे, इतना माइनस 5 है, तो आप एक काम कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 कर सकते हो, जैसा यहां है वैसे ही नीचे में ला सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5, और इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा कितना, यहां पर अगर मैंने आपने इसमें माइनस 5 लिखा है तो यहां पर प्लस 5 लिखना होगा कि नहीं होगा, अरे पापा प्लस 5 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। और समथिंग प्लस रेसिप्रोकल का मिनिमम मान कितना होता है, ये दोनों का मिनिमम मान, ये पूरा का मान मिनिमम मान कितना होता है, 2, और इसीलिए इसका मिनिमम मान हो जाएगा 2 प्लस 5। सर ये 5 कहां से लाए आप, अरे ये 5 जो माइनस मेंटेन किए ना, वही वाला माइनस 5 यहां पर मेंटेन किया, और माइनस 5 के लिए ये वाला प्लस 5 लिखना पड़ा, समझ में आ रहा बात। तो ये और समथिंग प्लस कुछ भी का और इसका रेसिप्रोकल का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हो बात, इसको लिखिएगा जितने लोगों को यह समझ में आया है। मास्टर माइंड पिंटू कुमार, विपुल कुमार भाई, रंजय गुप्ता, इंस्टा आईडी, ये लगता है दिन भर लाइव रहते हैं, दिन भर के क्लास में सभी में मैं पढ़ते रहता हूँ कि रंजय गुप्ता, रंजय गुप्ता इंस्टा आईडी, और ये इंस्टा आईडी जरूर लगाते हैं। हीरो सत्यम, कौशल कुमार, फिर से सर कई बार आपको नहीं समझ में आता है तो थीम याद कीजिए, थीम बताया गया है कि कभी भी ऐसा रहेगा तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, समथिंग प्लस रेसिप्रोकल का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। गैंगस्टर अमित कुमार, गुड्डू भाई, इसके पहले वाला नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको सर ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगा, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि देखिए अभी आप देख रहे होंगे सूचना आ रहा होगा कि आंगनबाड़ी वगैरह केंद्र खोल दिए गए हैं, गांधी मैदान में डीएम के द्वारा परमिशन शायद लेकर लोग दौड़ वोड़ भी रहे हैं, तो खोल दिया गया है बहुत सारा चीज़, तो कह रहा है सरकार के चूड़ा दही वगैरह चीज बढ़िया से खा लीजिए। और सर आपका आवाज इको कर रहा है, खिड़कियां खोल देना चाहिए था, इको करता है कई बार खिड़कियों से ही टकरा टकरा के इसको। सब लोग लिख लिए हैं, सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, अरे वाह, थैंक यू। देखो हीरो सत्यम नाम के पहले हीरो लगौले है। एक बार फिर से बताइए प्लीज। देखो भाई मैंने बताया कि ये तो आपको याद रखना है क्या, कि अगर कोई भी चीज स्क्वायर और उसका रेसिप्रोकल का सम देगा तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। कुछ भी दे दे लेकिन रियल होना चाहिए, जैसे मैंने यहां पर कुछ भी के लिए लिखा है, पॉजिटिव होना चाहिए, बस समथिंग बल का रेसिप्रोकल ये होगा, 2 होगा, 2 कंपलसरी हो गया। उसके बाद सर ये क्या लिख दिया आप, ये 25x² + 1/x² था, तो मिनिमम वैल्यू के लिए 2 तो होता ही होता है, एक्स स्क्वायर इतना, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का, लेकिन जब 25 लग गया ना, यानी कि उसका वर्गमूल 5 लिख देना है। ठीक है, 25x² और 4x², तो 2 तो कंपलसरी लिखना है, और ये 25 के लिए 5, और नीचे में 1/4 था तो नीचे में 1/4 हो जाएगा, क्लियर। तो ये चीज है,
गैंगस्टर कहते हैं सर मुझे मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होता है। गैंगस्टर आप अगर संडे वनडे को आते होंगे, आप संडे को कभी मौका मिलता होगा तो आते होंगे। हाँ जनरली जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम रहता है उनको फुर्सत भी कम रहता है, ऐसा पाया गया है, ठीक है। लेकिन अगर फुर्सत होता हो तो होगा तो कोई चीज़ दिक्कत कितना दिन कर सकता है। दिक्कत को हम दिक्कत समझेंगे तब और दिक्कत लगता है, अगर दिक्कत को हम ना दिक्कत समझें तो दिक्कत भाग जाता है जी। आप कई बार उसी रास्ते पर चलते हैं जिस रास्ते में बहुत सारा झाड़ लगे हुए हैं, जिसमें चलना मुश्किल है। आप कई बार आप कुछ वैसे गाँवों में गए होंगे जहाँ ज़्यादा पेड़ उगे हुए हैं, छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं। पहला बार जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, दूसरा बार जाएंगे तो थोड़ा रास्ता बना हुआ, पेड़ का ऐसे दो दो तरफ हो जाएंगे ऐसे। और फिर तीसरा बार धान के खेत में आप चल के देखेंगे यार, धान ऐसे हो जाएगा बीच में। तीसरा बार, चौथा बार, जाते 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 पांचवा छठा बार में रास्ता बन जाएगा जी। और जो फिर कोई भी उस रास्ते से आसानी से दौड़ के जा सकता है। तो भाई बात यह है कि चलने में बड़ी दिक्कत हो रहा है ये अलग बात है, लेकिन कई बार उसी रास्ते से जाते हैं तो मुझे लगता है कि रास्ता खुद ही रास्ता दे देता है। वो खुद रास्ता दे देता है कि जाओ भाई साहब तुम कई बार जा रहे हो इस रास्ते से। तो दिक्कत यही है कि आप बार बार प्रयास नहीं करते होंगे, या फिर समय नहीं मिल पाता हो, या फिर थोड़ा मोड़ा बचपन में कम ध्यान दिए होंगे। इससे क्या हो गया, अभी ध्यान देंगे ठीक हो जाएगा। तो आपको कई प्रयास करना है ये। अच्छा, ये कई बार यहाँ पर समथिंग और प्रोकल में नहीं रहेगा। देखो जितना जैसा यहाँ था वहाँ ऐसा, जैसा यहाँ था वैसा यहाँ नहीं है, तो हम बना लिए वैसा ही एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव रख लिए। लेकिन यहाँ पर माइनस फाइव था तो उसके बदले में मुझे प्लस करना पड़ा इधर बस। और ये समथिंग रेसिप्रोकल जैसे सम जितना ऐसा है उतना ही ऐसा हो गया, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है टू, और प्लस क्या कर दिया फाइव, तो कर दीजिए फाइव। सर एक जगह गुना कर रहे हैं एक जगह, भाई ये वाला तो मैं इसके चलते प्लस फाइव किया, क्यों प्लस फाइव किया, चूंकि यहाँ पर माइनस फाइव कर रखा था ना, तो ये फाइव नहीं लिखता तो बैलेंस नहीं होता। चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ ले चल रहा हूँ, शायद वहां से कुछ समझ में आए। धीरज, अलजेब्रा बहुत दिन से पढ़ रहे हैं सर, ट्रिग्नोमेट्री कब चालू होगा? बस जैसे ही खत्म कर देंगे हम लोग 40 एक्सरसाइज तक, 39 तक तो हो ही गया, ये शायद 38 लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है। 39 वाला बनाए हैं सब लोग कि नहीं, जरा सो कमेंट करके बताएं। क्या 39 एक्सरसाइज सब लोग बनाए हैं बाबू? रवि सिंह कहते हैं कि ऑफलाइन क्लास बहुत मिस कर रहे हैं, मुझे भी कई दिन हो गए आप लोगों के चेहरे देखते हुए, आपके हाव भाव जो हम महसूस किया करते थे क्लास में। लास्ट शाम का बैच आपका होता है और पूरे दिन भर से थकान होता है, उसके बावजूद भी आपके क्लास में इस तरह से एनर्जेटिक रहते हैं हम, आप लोगों का वो जो। हाँ देखिए सब लोग 39 बना लिए, वाह, जो लोग बनाए हैं यस करके यस लिखें, मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है सबको, बना लिए हैं यस लिखिएगा, मैं समझ जाऊँगा। डिस्क्रिप्टिव में आंसर नहीं दे, यस योर नो, नहीं बन रहा है सर, यानी क्लास छूटा हुआ है। रोशनी ऋषभ यादव को क्लास छूटा हुआ है, ठीक है, सभी लोग बना लिए। दिवाकर हीरो रोशनी नहीं बना बना है बोल रहे हैं, श्याम बाबू कह रहे हैं यस, नित्यानंद, मनीष, सुरेंद्र कुमार, विपिन राइट, रौशभ कौशल और हीरो सत्यम, धीरज, नित्यानंद, श्याम बाबू, गोलू बाबू, तब सभी लोग लगता है बना ही लिए हैं तकरीबन, वाह। वो तो आप अभी क्या लिखे में लगता है सर, बना लिया, आप चेक थोड़ी कर लीजिएगा, लेकिन मैं हर चीज का व्यवस्था करूंगा बाबू, देखना मैं चेक भी कर लूंगा आपका कैसे होमवर्क आप कर रहे हो कि नहीं। मैं प्रयास कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा देख लेता हूँ, अगर सही समय से खुल जाता है सब कुछ तो फिर इसकी नौबत नहीं आएगा, नहीं तो मैं तो भाई आपका होमवर्क चेक करके रहूंगा, ठीक है। नहीं तो एक दिन बाइक लेके घूमना पड़ेगा, क्या मैं कहाँ कहाँ है सब लॉन होमवर्क निकाल रहे हैं होमवर्क का, या फिर मैं पीडीएफ वगैरह मंगवा कर देखूंगा। देखो मैं क्वेश्चन कुछ करवा ले रहा हूँ, आइए देखते हैं सवाल। अब देखो ये दिया हुआ है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम मान क्या होगा हमेशा, आंसर फटाफट लिखते जाइए, तेजी से क्वेश्चन लिखता हूँ, तेजी से आंसर। पाप का आंसर लिखना है ऐसे, तीसरा का क्या आंसर है सो, तीसरा का कौन सा आंसर है ऐसे लिखना है। अमित कुमार, धर्मवीर कुमार, कृष्णा कुमार, रंजीत कुमार, रवि कुमार, सुमित कुमार, मुन्ना, विपिन राजपूत, मनीष, ईशा कुमारी, रंजय गुप्ता, आंसर लिखिएगा जरा। गैंगस्टर सर आप बहुत स्मार्ट, बहुत बहुत हो गया, ठीक है धन्यवाद, तेजी से आंसर। देखिए
ऋषभ राज गया, रवि रवि का, विपिन धीरज कौशल, अमित दिवाकर, नित्यानंद आनंद कौशल, सनी रवि, शुभम आपका कलुआ, मुन्ना चंदन बहुत, ईशा कुमारी, रवि रंजन आपका कलुआ, बहुत बार आपका कलुआ हो जाता है, छोटू और तमाम लोग का आंसर तेजी से दनादन आंसर दे रहे हैं और बहुत सही आंसर सबों का दो आंसर है, इसका कौन वाला आंसर नहीं बता पाएगा, यानी कि तीसरा का आप लोग को लिखना है ऐसे बॉल, ऐसे आंसर, ठीक है, दो, ठीक है, मुझे लगता है कि हो गया है तीसरा का दो, या आंसर दो लिख लीजिए। हाँ चलिए मैं बढ़ता हूं तेजी से, अगला सवाल बताइएगा, इसका मिनिमम मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर, मिनिमम मान बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, धीरज कुमार, छोटू कुमार, मंजीत कुमार, रोशनी, ऋषभ, गोलू भाई, हीरो आर्यन, धीरज, कौशल कुमार, एमडी आमिर, मोनिका कुमारी, बॉल आंसर बता रहे हैं, धीरज आप प्रश्न संख्या किसका बॉल बता रहे हैं ये तो आप समझिए, इसका चार नंबर क्वेश्चन का आंसर, चार का आंसर ईशा कुमारी बताती हैं वन, चार का आंसर वन बता रहे हैं, यानी कि सी आंसर है, वन का मतलब हम ए भी समझ लेते हैं माइनस टू, ए बी सी में बताइए आंसर, आनंद कुमार डुमरिया, क्या हो रहा है आंसर, क्या हो रहा है आंसर, क्या ऑप्शन में से मैच कर रहा है आंसर, क्या हम आंसर मैच कर रहे हैं क्या, देखिए अब सीधा सीधा बात है, जब भी ऐसा देता है तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हालांकि माइनस में नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए यहां पर प्लस में, लेकिन फिर भी अगर सवाल दिया है इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन था तो यहां पर मैं कर दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और इसको बैलेंस करने के लिए मैं कर दूंगा यहां पर प्लस वन, एक बार माइनस एक बार प्लस किया और इसका मिनिमम वैल्यू जो होता है ये इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, टू होता है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, टू होता है, जब इसका मिनिमम वैल्यू टू हुआ तो प्लस वन यानी कि आंसर कितना होना चाहिए, आंसर इसका होना चाहिए थ्री जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है गलत, क्या मिनिमम वैल्यू थ्री समझ में आ रहा है, मिनिमम वैल्यू होना चाहिए इसका तीन, सभी लोग ऑप्शन देखकर चकमा खा गए, अभी लिख रहे हैं डी ऑप्शन नहीं है, एक शुभम कुमार लिखे हैं, लेकिन आपको कभी देखिए प्रयास कीजिए कि ये आपको सबसे पहले उसी फॉर्म में, हाँ अगर ये सवाल इस तरह से होता कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन तब क्या आंसर होता बताइएगा, अगर मान लो चार का अलग से एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं चूंकि ये क्वेश्चन गलत हुआ, इतना रहता तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता बाबू, ये देना चाहिए था प्लस देना चाहिए था, मैं माइनस दिया हूं, क्या होगा आंसर इसका बताइएगा, अब बताइए इसके जगह पर मैं ये लिख दिया, इसके जगह पर क्वेश्चन ये है, क्या होगा आंसर, ये क्या होगा आंसर, ये तीन वैल्यू लिखे हैं सर, तीन वैल्यू लिखे हैं, अच्छा इसका आंसर तीन वैल्यू लिखे हैं सर, अच्छा ठीक है, लेकिन इसीलिए तो बोलते हैं कि भाई देखो इसका आंसर एक 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 हो रहा है, वाह ये अब समझ गए कि नहीं बात, आंसर कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, इसका आंसर ये हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जो आंसर होगा वो आपको क्या करना है बाबू, सीधा लिखना है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन और बीच ये इधर जो प्लस वन किए हैं उसके चलते माइनस वन लिखेंगे और इसको कर देंगे इतना का वैल्यू जो होगा समथिंग प्लस रेसिपी और इसका वैल्यू हो जाएगा टू और टू माइनस वन जो होगा सो वन हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा डॉग, क्या सही है डॉग आंसर हो जाएगा, मोनिका कुमारी, कुंदन कुमार, धर्मवीर कुमार, श्याम बाबू, गोलू भाई, विपिन आपका कलुआ, अपना कलुआ, रवि रंजन, सुदामा कुमार, धीरज कुमार,
निखिल कुमार, रवि रंजन, सुदामा कुमार, एक आंसर, वेरी गुड। अगला सवाल देखिएगा, यहां पर आपको समझना ये है कि ये वाला जो है सो आपका है प्लस, ये वाला है प्लस, या चलिए माइनस ही रहने देते हैं, अभी माइनस थ्री रहने देते हैं, फिर हम बनाएंगे, ठीक है, तो पांच आ जाएगा क्या? और अगर प्लस थ्री रहता तो प्लस थ्री करके देखिए इसको, प्लस थ्री की माइनस थ्री, प्लस थ्री करके देखिए आप, क्वेश्चन सुधरा हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस थ्री ही कर दीजिए, क्योंकि ये बार बार आंसर में वेरी कर रहा है, वाई स्क्वायर प्लस थ्री कीजिए। अगर माइनस थ्री रहेगा तो पांच रहेगा, ईशा कुमारी कहती हैं, लेकिन अगर प्लस थ्री कर दूं तो क्या आएगा, प्लस थ्री कर दूं तो आंसर क्या आएगा, आंसर लिखिएगा, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, प्लस थ्री कर देंगे तब रवि रंजन, प्लस थ्री कर दिया मैं नीचे में, वाई स्क्वायर प्लस थ्री कर दिया, माइनस वन मोना मुन्ना कुमार, अंबिकांत, दिवाकर कुमार, ईशा कुमारी, शुभम कुमार, छोटू यादव, रोशन और काजल गुप्ता, शुभम कुमार, रंजय गुप्ता, हीरो धीरज, अंबिका, रवि, चंदन और मनीष, सभी का आंसर माइनस वन, ईशा कुमारी, सभी का आंसर गोलू भाई, सभी का आंसर धीरज कुमार और रविशंकर, श्याम, हीरो, विपिन, गोलू भाई, नीतू, सभी का आंसर यही है। तो मुझे लगता है कि क्लियर हुआ है बात। आपको जब भी इस तरह का देता है तो आपको बस यही करना है कि वाई स्क्वायर प्लस वाई वन बटा वाई स्क्वायर प्लस थ्री दिया हुआ है, आपको बस क्या करना चाहिए कि यहां पर वाई का स्क्वायर प्लस थ्री लिख देना है, और इसके चलते आप जो ये तो क्यों खैर जो का त्यों है, इसको मैं प्लस थ्री किया है तो यहां कर दीजिए माइनस थ्री, और फिर सोचिए कि इसका वैल्यू क्या होता है, समथिंग प्लस रेसिप्रोकल जो ऐसा हो जाता है एक ही चीज, तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, इसका सॉरी इसका मिनिमम वैल्यू हो जाता है बाबू दो, और दो माइनस तीन होगा, ये वाला माइनस तीन तो हो जाएगा माइनस वन, आंसर हो गया कैट। क्या सभी का है? सर मैक्सिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट दीजिए ना सर, मिनिमम वैल्यू अभी निकालिए ना, जितना बताते हैं उतना सीखिए ना, बताऊंगा मैक्सिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट, पहले जितना बता रहा हूं गोलू भाई उतना सीखें, ठीक है। अब देखिए आगे बताइएगा इसका, इसका मिनिमम मान क्या होगा, इसका मिनिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम वाला मैं बताऊंगा, इस तरह के केसेज में केवल मिनिमम पूछेगा, मैक्सिमम वाला तड़पड़ा क्यों रहे हैं, सारा बताऊंगा यार, एक भी छोड़ने वाला हूं क्या मैं, फिर मैक्सिमम पूछूंगा तो सारा मैक्सिमम वाला होगा, अभी केवल मिनिमम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम। इसका आंसर बताइएगा, कृष्णा कुमार, अमित कुमार, रोशनी, ऋषभ यादव, राहुल जयकर, मनीष कुमार गुप्ता, रंजय गुप्ता, ईशा कुमारी, शुभम सिंह राजपूत, तमाम लोगों का चार 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 आंसर, कितने लोगों का, सभी का बॉल आंसर, चार बॉल चार बॉल, समझ में आ रहा है क्या सबको, चार आंसर आ रहा है, बॉल आ रहा है, सबको आ रहा है समझ, बॉल चार, वेरी गुड। मैं नाम तेजी से इतना कमेंट आ रहा है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि आपको सभी का नाम मैं देख रहा हूं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आया, कुछ नहीं करना था इसमें भैया, हमें पता है कि ऐसा रहता केवल तो एक्स स्क्वायर और टू कोएफिशिएंट लग गया, एक वाइस का वर्गमूल, टू तो ऐसे वाला रेसिप्रोकल वाला का सबसे पहले टू हो जाता है बाबू, और गुने जो कोएफिशिएंट है उसका वर्गमूल, तो दुदनी चार प्लस चार, आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। ये सब अगर जानते हो तो देखते लगेगा बनेगा, देखना देखते बनना चाहिए ये सब का आंसर, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत हो रहा है। अभी देखो इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, बताइएगा मिनिमम वैल्यू इसका,
मिनिमम वैल्यू होगा इसका। इस तरह के सभी प्रश्नों का आंसर अभी हम लोग देख रहे हैं किसका, जिसका मिनिमम मान निकलता है, मैक्सिमम मान वाला देखेंगे अभी हम, ठीक है। कितना जाएगा इसका आंसर बताइए तो सही, आंसर कितना हो जाएगा इसका? थ्री आंसरों का क्या? सभी लोग आंसर लगा रहे हैं, चौतीस तीन, ईशा कुमारी मिस्टर, ये तीन 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 तीन, आप तेजी से आंसर बताते हुए, वेरी गुड। अशुभम रंजन, धर्मवीर दिवाकर, शुभम, रवि हीरो, रवि, सभी का आंसर यही, श्याम, आनंद, रंजय, श्याम, रवि, ईशा, सभी का, श्याम, अमित, रोशन, नित्यानंद, टिंकी, श्वेता, रवि, गोलू, अमित, तो सभी का आंसर यही आ रहा है, वेरी गुड। मैं सभी का नाम तेजी से नहीं पढ़ पा रहा हूं लेकिन आप देख पा रहे हैं सभी का आंसर यही है। सो सबका आंसर यही, आपको बस पहले लिखना है टू, टू लिखने के बाद लिखना है इसका वर्गमूल तीन, ऊपर में था ऊपर में, ये नीचे में है तो एक बटा टू इसका वर्गमूल लिखेंगे तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा तीन। एक दो सवाल का आंसर लेकर फिर हम कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और अगले क्लास में उसका प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले सवाल देखिएगा, ये 25x² + 1x² का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये एक और क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं कितना। शुभम कुमार, सुदामा कुमार, रंजीत साहनी, नंदू कुमार, धीरज, मोनिका कुमारी, रंजीत साहनी, रोशन कुमार, सभी का आंसर ऐसा ही, प्रियंका रॉय तीन आंसर है, रंजीत साहनी, धीरज कुमार तीन आंसर है, सभी का आंसर तीन है क्या? इस प्रश्न का भी आंसर तीन है। आठ का आंसर बताइए बाबू, आठ का, ये अभी चार का ही आंसर बता रहे हैं, आठ का आंसर बताइए। क्या आंसर आ रहा है इसका? आठ का, आठ का पाँच, आठ का पाँच, आठ का पाँच, कुंदन कुमार, श्याम बाबू, नंदू, सुहाम, प्रमोद कुमार, कौशल, छोटू, बबलू, ईशु, अमिकांत, मुन्ना, सर्वेश, धीरज, सूरज, सभी का तेजी से आंसर ये आ जा रहा है। मुझे लगता है कि सबको एकदम क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट ये वाला, है ना? ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो मैं थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट के लिए बढ़ूंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये सब करता हूं डिलीट। मैं कुछ कॉन्सेप्ट करूंगा डिलीट आपका, ठीक है? ये जो बताया गया है सो कॉन्सेप्ट करते हैं, थोड़ा सा बात को हम लोग समझेंगे और समझने के बाद फिर से हम लोग प्रयास करेंगे बनाने का। देखो बाबू, जितना बताता हूं वो एकदम क्लियर रहना चाहिए। आप लोग एलजेब्रा का पढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अभी तक की तमाम बातें आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है? इसीलिए अब आपको मिनिमम वाला के आधार पर थोड़ा सा ये जो मैक्सिमम पूछता है थोड़ा सा पार्ट, उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, समझिए, जो चीज जब मिलता है उस समय तक आपको प्रयास करना है समझने का। मैं बता रहा हूं अगला सवाल कॉन्सेप्ट देखिएगा। देखिए जी, दो तरह के सवाल होते हैं। कोई दो टर्म है, अगर मान लो दो या दो से अधिक टर्म, ए और बी, अगर ये योगफल में है, योग में है, इसका कुछ वैल्यू देता है और गुणनफल, ये योगफल का वैल्यू देके गुणनफल काम पूछेगा तो ये मैक्सिमम मान पूछेगा। कब पूछेगा मैक्सिमम? कुछ चीज दो टर्म या दो से अधिक टर्मों का योगफल दे देगा और उन्हीं टर्म, दो या दो से अधिक टर्मों का गुणनफल का पूछेगा तो क्या पूछेगा? ये मैक्सिमम, लेकिन ये गिवन होगा, ये गिवन होगा कुछ, और उसके आधार पर कहेगा कि ए प्लस बी इक्वल्स टू, गिवन है, कुछ दिया हुआ है, और देन पूछेगा ए इंटू बी, तो मैक्सिमम ही पूछेगा। अगर मैक्सिमम पूछेगा तो हम क्या करेंगे ये देखना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि इफ ए इंटू बी इज गिवेन, ये कुछ गिवेन है
और इस पर मिनिमम वैल्यू पूछेगा यदि ए प्लस बी का पूछेगा, मिनिमम वैल्यू पूछेगा। अगर ए इंटू बी दिया हुआ है तो आपको पता हो कि ए प्लस बी मिनिमम पूछेगा। ध्यान से सुनिए, सुनना सब लोग, आसपास में अगर हल्ला वल्ला हो रहा है तो कान ईयरफोन वगैरह लगा के सुनिए, कान लगा कर सुनो, ध्यान लगा कर सुनो। अगर सुनते हो बढ़िया से, पहले दो केस हैं। केस फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, केस फर्स्ट में कहता है कि ए और बी दिया हुआ है अगर, और ए इंटू बी का पूछेगा तो मैक्सिमम पूछेगा। क्यों पूछेगा, कैसे पूछेगा बताएंगे, लेकिन पहले समझिए। और जानते हो आपको कई बार केस क्वेश्चन बहुत दिमाग में चलने लगता है कि कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप समझने का कुछ हद तक प्रयास भी न किए और ये रिजल्ट बता दिए कि समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। पहले मेरा सुने खूब पूरा तरह से, न समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि प्रकृति के द्वारा बनाए गए दिमाग के द्वारा न समझा जा सके। आपके क्षमता से कुछ भी ऐसा नहीं है, और खास करके आप जब क्लास में कंसंट्रेशन से सुन रहे हों, समझ में आना तय है। सबसे पहले दो कंडीशन, कितने लोग कंडीशन ना सुनते हैं, ऐसी का है और का नहीं, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया स्क्वायर बी स्क्वायर, बहुत तरह तरह के बात सोचने लगते हैं कि ऐसे होता तो कैसे होता, और अगर प्लस वाला देखे प्लस वाला पूछ देता तो क्या पूछता। ये तमाम बातें बात की, पहले जितना बता रहे हैं उतना समझना है, क्योंकि जितना बता रहे हैं उतना पूछता है, क्योंकि उतना ही बता रहे हैं जितना पूछता है। तो जरूरी ये है कि जो बता रहे हैं वो पहले ध्यान से सुने। जैसे कि इसके पहले में बता रहे थे मिनिमम वाला, तो बता रहे थे कि सर मैक्सिमम वाला बताते तो बड़ा अच्छा रहता, मजा ही आ जाता। ए धुंधु, मैक्सिमम वाला भी बताएंगे, लेकिन अभी जो बता रहे हैं इसे सुनिए, वर्तमान में विश्वास रखा कीजिए, हमेशा से घबराया नहीं कीजिए, जल्दीबाजी ना किया कीजिए, कुछ भी जल्दी ना करें, पहले ये सुने कि क्या बताया जा रहा है। जो बताया जा रहा है अगर बढ़िया सुनते हैं समझ में आएगा। तो केस फर्स्ट आप अगर प्लस वाला गिवेन है तो पूछेगा मैक्सिमम मल्टीप्लाई करके, और मल्टीप्लाई वाला गिवेन है तो पूछेगा मिनिमम जोड़ करके, ठीक है। अब पहला कॉन्सेप्ट, सर ऐसा होगा तो क्या करेंगे और कैसे पूछता है, इसका कुछ एग्जांपल मैं दूंगा, लेकिन पहले एकदम टू द पॉइंट रटिए टाइप से, यानी याद कर लेना है, समझ में आ रहा है। पहले ये समझिए कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये मैक्सिमम तभी देगा जब ए बराबर बी लेंगे। यहां पर से ए बराबर बी लेंगे ना, जो ये दोनों टर्मों का वैल्यू होना चाहिए वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, तभी देगा क्या वो मिनिमम। और वो बराबर वैल्यू कहां से लेंगे, यहां से। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि बराबर कुछ कह रहे हैं लेने के लिए, ठीक है। यहां अच्छा क्यों लेंगे ऐसे बराबर सर, नहीं नहीं क्यों लेंगे मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझिए कि क्या करना है। तो अगर यहां पर भी मिनिमम पूछ रहा है तो ऐसे केस में भी ए बराबर बी ही लेना है, तभी मिनिमम देगा। और लेना कहां से है, जो दिया है वहां से। पहला क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं मैक्सिमम वाला का। देखो बाबू, अगर ए प्लस बी, पहला सवाल मैं इसका देखता हूं, अगर आपको कभी भी मैक्सिमम वैल्यू पूछता रहे और दिया हुआ रहेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर सिक्स, और आपको पूछता रहेगा कि भाई बताइए कि ए इंटू बी इंटू सी बराबर मैक्सिमम क्या होगा, का मैक्सिमम मान क्या होगा, तो ये तभी मैक्सिमम होगा जब आपको तुम्हारे दिमाग में आएगा मैक्सिमम के लिए हमको ए बराबर बी बराबर सी लेना होगा। कोई भी चीज मैक्सिमम या कोई भी चीज मिनिमम तभी देता है जब दोनों टर्म या दोनों दो से अधिक टर्मों का योगफल मिनिमम पूछता है, तो यह तभी देगा जब तीनों आपस में बराबर होगा। सर क्यों बताता हूं, लेकिन पहले क्या हो रहा है सो ध्यान दीजिए, क्यों तो अपने आप आ जाएगा सर, पहले क्या हो रहा है कैसे सवाल बनेगा ये सीखिए। क्यों जानने वाले बहुत बैठे पड़े हैं, लेकिन क्या कैसे बनता है सवाल ये जानने वाले रिजल्ट दे दिए हैं, तो पहले जानना जरूरी है कि क्या होता है। लेकिन क्यों का भी जवाब ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिया जाएगा, पहले क्या जानिए, सभी बराबर लेना है तो बताइए क्या आंसर होगा। अगर सब आंसर बराबर लेना होगा तो आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ गया होगा, दो 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 लेना होगा और दो दुनी चार दुनी, यानी कि दो दुनी चार दुनी आठ आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा भाई, आठ। सभी का आंसर आ रहा होगा कि मैक्सिमम वैल्यू आठ होगा। हाँ रवि सिंह, सभी लोग का आंसर हो रहा होगा मैक्सिमम वैल्यू आठ होगा।
ध्यान से सुनिए, मैक्सिमम वाला कर रहे हैं, फिर मिनिमम वाला फिर से करेंगे, फिर मैक्सिमम वाला फिर मिनिमम वाला करते चलेंगे। अगर आपको यहां पर सर ऐसा दे देता कि ए प्लस वन ए प्लस बी बराबर फाइव दे दिया और आपसे पूछ दिया यदि ए प्लस बी बराबर फाइव दिया और आपसे पूछ दिया कि ए इंटू बी का मैक्सिमम मान क्या है, तो आपको लिखना होगा कि मैक्सिमम मान तभी आएगा जब ये दोनों को बराबर बराबर बांट देंगे, यानी कि ए बराबर पांच बटा दो और बी बराबर भी पांच बटा दो, दो भाग में बांट देंगे पांच को। और अगर ऐसा हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू, पांच बटा दो का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं दो बार, या फिर पांच बटा दो गुने पांच बटा दो, आंसर आ जाएगा इसका पच्चीस बटा चार। क्या समझ पा रहे हैं बात? अगर केवल ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो मैं आपको क्वेश्चन के पास ले चलता हूं। सर समझ में नहीं आ रहा है 25%, 25% समझ में नहीं आ रहा, यानी कि 75% समझ में आया है। आपको केवल 75% पर फोकस करना है। देखो कितने लोग परसेंटेज में बता के दे रहे हैं कि 25% समझ में नहीं आ रहा, यानी कि 75% समझ में आ रहा है। अब 25% पर फोकस ना करो, आप सोचो कि 75% समझ में आ रहा है और सवाल का आनंद उठाओ। अगर सवाल बन जा रहे हैं तो मैं कुछ भी समझा दूंगा, अगर सवाल बन जाएंगे तो मैं कुछ भी समझा दूंगा। एक सवाल आपके सामने है बाबू, सवाल आपके सामने है, व्हाट इज मैक्सिमम मान ऑफ ए बी सी इफ ए प्लस बी प्लस सी इज वन। आंसर बताइए तेजी से, और मैं आपके समझने का फिक्र करता हूं ना समझने का फिक्र करता हूं। आंसर बताइएगा, प्रश्न संख्या 9 का आंसर बताइएगा बाबू। सर समझ में नहीं आया, हीरो सत्यम, देखो समझ में नहीं आया फिर भी बहुत बनाएंगे, समझ में नहीं आया फिर भी देखो कैसे बना रहे हैं। बनाइएगा प्रश्न संख्या 9 का आंसर मुझे चाहिए, प्रश्न संख्या 9 का आंसर मुझे चाहिए, चाहे जैसे बनाओ आप। कितना आ रहा है आंसर, प्रश्न संख्या 9 का आंसर? एक बटा 27 आंसर आ रहा है छोटू का, 1/27 आंसर आ रहा है ईसा कुमारी का, 1/27 आंसर आ रहा है बहुतों का, 1/27 आ रहा है दिवाकर मुन्ना पीयूष रंजय नित्यानंद गोलू भाई डी आंसर, मुन्ना धर्मवीर नित्यानंद गोलू भाई श्याम पीयूष धर्मवीर अमित कुंदन धीरज रंजीत अक्षर रवि हीरो तमाम लोगों का आंसर, वाह। लेकिन अभी भी कसक बाकी है, लेकिन लग रहा है सर बनावेला तो हमसे मतलब बन ही जाएगा, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है अंदर से। समझना जरूरी नहीं है, बनाना जरूरी है। आपको बन रहा है क्या नहीं सवाल, अब आपको समझना है तो मैं समझा दूंगा, लेकिन पहले समझिए कि बनाना क्या है, कैसे बनाना है। जितना पूछेगा, ए बी सी का मैक्सिमम पूछ रहा है, ए बी गुने ए गुने बी गुने सी का मैक्सिमम पूछ रहा है, आपको केवल ध्यान देना है कि ए शुड बी इक्वल टू बी शुड बी इक्वल टू सी। आपका बस यही ना है कि वाई वाई क्यों ऐसा कि ए बी सी को बराबर कर रहे हैं क्यों ऐसा, यही ना समझ में आ रहा है। लेकिन आपको करना है तो समझ में आ रहा है, बस इससे काम चलाइए। मैं बता देता हूं कि क्यों बराबर होता है, ठीक है, मैं बता दूंगा वो, आप परेशान ना हो। लेकिन पहले ये ध्यान दीजिए कि कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है तो गुणनफल में टर्मों का क्या निकालना होगा, और गुणनफल वाले बराबर होने चाहिए। क्या सबका आंसर डी है, 1/27 सभी का आंसर है क्या? मुझे लगता है कि 1/27 आंसर है। अगला सवाल का आंसर देखते हैं कि कितने लोग दे पाते हैं। देता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर देता है बाबू, देता है आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर दो दिया हुआ है, और देता है ए प्लस वन बी प्लस वन सी प्लस वन का कैसा मान, सी प्लस वन और डी प्लस वन का अधिकतम मान, मैक्सिमम मान निकालना है, मैक्सिमम मान निकालना है, बताइएगा जरा। शुभम कुमार अभी समझे नहीं है, अभी समझाया ही कहा है हमने, अभी बनाने के लिए बताया है हमने। हीरो सत्यम कहते हैं समझ में आ गया सर 100%। देखिए अभी आपको समझे भी नहीं है, मैं समझाया ही नहीं तो कहाँ समझ आएगा, बस बताया है कि बनता कैसे एग्जाम में, बनाइए आप ऐसे ही। हीरो सत्यम आंसर बताइएगा, कौन सा आंसर होगा? तीन बटा दो के पावर फोर, 1/2 के पावर फोर, 2/3 के पावर फोर की नन ऑफ दिस,
जितने लोग जुड़े हुए हैं बाबू उतना लाइक्स नहीं मिलता है, पता नहीं आपको पसंद नहीं आता क्या। सभी लोग जरा वीडियो को लाइक करें, धनाधन लाइक करें और शेयर करें। ये क्लास जो ये जो आज बता रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम बहुत तो एग्जाम में पूछा जाता है और बड़ा सिंपल बता रहे हैं। पहले टू द पॉइंट हम समझाने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, हम ही बता रहे हैं कि बनता कैसे है। हम समझा ही नहीं रहे आपको, हम बता रहे हैं कि बस बनाना कैसे है। सर भुला जाएंगे तब? नहीं भुलाइएगा, चूंकि एकदम ये कॉपी कर देता है क्वेश्चन। भुलाइए कैसे आप? ए आंसर आ रहा है कि बी आंसर आ रहा है? देखो बहुत लोगों का ए बी डी भी आंसर बता रहे हैं, 81/16 बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये सोचिए बाबू कि आपको ये बांटना है ना, बराबर बराबर होना चाहिए ना, ए बी और सी बराबर डी होना चाहिए। लेकिन सर आप कहेंगे कि सर इसका मैक्सिमम निकालना है तो ये सब बराबर ना होगा। देखो बाबू अगर इसका मैक्सिमम निकालना है तो ये सब बराबर होगा ना, ए प्लस वन बराबर होना चाहिए, बी प्लस वन बराबर होना चाहिए, सी प्लस वन बराबर होना चाहिए, डी प्लस वन बराबर होना चाहिए क्या जी? और अगर इससे बराबर तभी होगा जब ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी होगा। पहले ऐसे समझिए, ये सब तभी बराबर होंगे जनाब जब ये सभी बराबर होंगे। और अगर ये सब बराबर हो गए तो यहाँ पर वैल्यू ले लीजिए और सब बराबर बराबर आ जाएगा, क्योंकि सब में तो एक एक जोड़ा गया है। और ये सब बराबर लाने के लिए यहाँ से देखना होगा, यहाँ पर आपका है क्या, यहाँ पर है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना, दो। यानी कि चार भाग में बांटिएगा तो ए बराबर आएगा 2/4, बी बराबर आएगा 2/4, सभी के बराबर आएगा। देखो ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी होगा और सभी को चार भाग में बांटेंगे तो यानी कि सब 1/2 1/2 होगा। और जब मैक्सिमम निकालना है तो यहाँ पर 1/2 पुट कीजिए, 1/2, तो 1/2 प्लस 1 कितने बार, 4 बार, इसका पावर 4, यानी कि 3/2 के पावर 4। और आंसर आपका यही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कौन सा, 3/2 के पावर 4, आंसर होगा ए। समझ पाए क्या? अरे समझ रहे हो ना, सुन रहे हो ना, समझ रहे ही होंगे? हाँ मुझे लग रहा है कि एकदम समझ में आ रहा होगा आपको। और ये तो बात तय है कि आप समझे कितना है सो हम नहीं जानते हैं, बनाएंगे 100% ये भी बात तय है। तो ठीक है, अभी जब नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझाए हैं, तब तो इतना बन रहा है, सोचो समझा देंगे तो क्या होगा। और हमको, मुझे मतलब है, समझाने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा मन की आंतरिक संतुष्टि हो जाता है कि नहीं नहीं आई वी नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है ऐसा नहीं, आपको क्या आंसर आता है कैसे आंसर आता है ये ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, ठीक है। अल्टीमेटली यही याद रहता है, लेकिन याद करवाने के लिए कुछ तर्क वितर्क करते हैं आपके साथ, ये अच्छा हमको भी लगता है और आपको भी समझ के अच्छा लगता होगा। लेकिन आगे प्रश्न देखिए पहले। अब देखो ऐसा है, इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए, कोने कोने से सोकर बैठकर लड़खड़ा के पढ़ रहे छात्रों से आंसर चाहिए। कितने लोग देखो गलत ढंग से बैठकर पढ़ रहे हैं, कह भले बताओ पेट के बल सोकर कौन पढ़ता है जी? छात्र उठिए बैठिए जागिए, तब तक लगे रहिए भाई साहब जब तक आप बेहतर ना करने लगे। कितना के कलम खत्म हो जा रहा है, कितना पेन मांग रहा है भाई से कि दे दे रे भाई, बताइए आंसर। 11 का आंसर ए बी सी डी में से कौन सा? बताइए आंसर। अभी केस 1 पहले बढ़िया से नहीं हुआ है और केस 2 की बात करते हो, मैं के एक क्वेश्चन बताऊंगा, प्रयास तुम पहले। चलिए ए आंसर है 8/27 8/27 8/27, यानी कि ए आंसर आया, ए आंसर 11 का ए आंसर। वाह सुमित कुमार, सजल गुप्ता, रविशंकर, सैजल गुप्ता, रविशंकर, हीरो, निराला, शुभम, रवि, नित्यानंद, मिस्टर बैला, मिस्टर रवि, नागेंद्र, सुमित, सर्वेश, रवि, शुभम, दिवाकर और कुंदन। सभी का आंसर यही है, अखिलेश, ज्योति, करण, अमित, सभी का आंसर यह है। मुझे लगता है कि एकदम 100% समझ रहे हैं सब लोग, ठीक है। मनीष कुमार, बाकी समझ गए हैं। सर आई सी देगा ना? हाँ जी,
सर घुमा के ना दे देगा, नहीं थोड़ा मोड़ा घुमाएगा सो हम बता देंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल इतना समझो कि रहेगा ऐसे ही बाबू, ठीक है। अभी और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करना है टाइप्स। तो अभी आपने देखा कि इस तरह के सवाल आपको आते हैं, और यहां पर मैं केस बता रखा था दो। अब देखिए थोड़ा सा आगे, कई बार ऐसा होगा कि आपको मैथ्स में ऐसे देगा कुछ कि a माइनस वन का a, ये पूछेगा देगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 17 दिया हुआ है, तो a माइनस टू बी प्लस फोर बी प्लस सेवन और सी प्लस 15, ठीक है। ट्वेल्व का मैक्सिमम मान पूछता है, ए माइनस टू बी प्लस सेवन सी प्लस 12 का मैक्सिमम मान पूछता है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज 17। देखो अगला टाइप्स और जो डिफिकल्ट वाला टाइप्स था वो था, वो है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज 17 देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए माइनस टू इंटू बी माइन बी प्लस सेवन इज टू इंटू सी प्लस 12। बताइएगा आंसर बाबू, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 70 है तो ए माइनस टू बी प्लस सेवन और सी प्लस 12 क्या होगा मैक्सिमम मान? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, क्या सब छोड़कर चले गए क्या? कोई आंसर है क्या आपके पास? मैं अगला टाइप इसको छोड़कर बता दूं क्या? बहुत लोग बोल रहे थे कि नेक्स्ट टाइप बताया जाए सर, नेक्स्ट वाला केस बताया जाए, क्या इसको छोड़ दूं? बता रहे थे कि सर नेक्स्ट केस बताया जाए, इतने जल्दीबाजी में रहते हो ना। देखो बाबू जब ऐसा देगा, सबसे पहले समझिएगा, जब भी ऐसा दे दे तो सबसे पहले एक बात केयर कीजिए कि ये सभी को बराबर करना है, सभी को बराबर करना है बाबू। नहीं समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। देखो सबसे पहले ऐसे आंसर क्या आ रहा है, जो लोग देखो बहुत बड़ा नंबर आ रहा हो, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके सर्विस ज्यादा हो, सबसे पहले कैलकुलेटर यूज करना बंद करें। आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करोगे फिर भी गलती होगा। देखो कितना 11 × 3 = 18 कितना निकाल दिए हैं। देखो बाबू जो लोग फंस गए हैं और अपना पूरा एनर्जी झोंक दिए हैं, तो आप देखिए इधर ये तीनों बराबर होना चाहिए राइट, लेकिन बराबर करना पॉसिबल नहीं है बाबू ऐसे। आप एक काम कर सकते हो, इसी को उसके जैसा बना सकते हो। अगर तुम मेरे जैसा न बन सको, अगर तुम मेरे जैसा न बन सको तो क्या हुआ, हम तुम्हारे जैसा बन जाएंगे, हम ऐसे दीवाने हैं तेरे, समझ पा रहे हो बात? हम नहीं बदलेंगे, अगर सचमुच मोहब्बत इस प्रश्न से है तो हम इसको न इसको बराबर न ला सके, सबको बराबर ना कर सके तो कोई बात नहीं, हम इसी को क्या कर देंगे, ऐसा चेंज कर देंगे कि बराबर हो जाएगा। देखो मैं लिख सकता हूं क्या a माइनस टू, अरे मैं क्या लिख सकता हूं a माइनस टू, अगर a माइनस टू लिखूंगा तो कोई बात नहीं, 17 माइनस टू इधर भी माइनस टू कर देते हैं तो कोई दिक्कत, बराबर हो जाएगा क्या? फिर मैं b माइनस बी प्लस सेवन लिख सकता हूं यहां पे, और मैं इधर भी प्लस सेवन कर दूंगा तो बुरा लग जाएगा क्या? प्लस देखो दोनों तरफ माइनस टू तो माइनस टू कर रहे हैं क्या, प्लस सेवन कर रहे हैं तो इधर सेवन कर रहे हैं क्या? अब इधर देखिए क्या है, क्या होगा यहां पे, सी प्लस 12 कर रहे हैं,
प्लस कर रहे हैं इधर, तो इधर भी प्लस जोड़ना होगा, है ना। जब इधर से केवल ले जाते तब ना माइनस वाला प्लस में या प्लस वाला माइनस में। अगर मैं इधर जोड़ रहा हूं दो, तो इधर भी दो घटाना है, तो इधर भी दो घटाना है, सात जोड़ना है तो सात जोड़ना है, बारह जोड़ना है तो बारह जोड़ना है, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, सत्रह और सात और बारह, सत्रह बारह यानी कि यह माइनस टू यानी कि दस हुआ, सत्रह सत्रह चौंतीस हो गया होगा, क्लियर है। सत्रह सत्रह कितना हो गया बाबू, चौंतीस हो गया, थर्टी फोर हो गया, क्लियर है यहां तक बात। अब ये 34 तीन बराबर भागों में बट सकता है, और इतना बराबर लिख सकते हैं 34 बटा 3, इतना बराबर लिख सकते हैं 34 बटा 3, इतना बराबर लिख सकते हैं 34 बटा 3, और इसका आंसर हो सकता है 34 बटा 3 का पावर की 3, क्लियर है क्या बात। अरे कुछ समझ में आया क्या? आप क्या करो कि इसी को बराबर बराबर बना नहीं पा रहे हो तो क्या करना होगा, आप इसको बराबर बराबर नहीं बना पा रहे हो तो क्या बात हुआ, इसके जैसा यहीं पर बना दो। अब अगला सवाल में अप्लाई करके देखना इसको। सर समझ में नहीं आ रहा है, रिजल्ट तुरंत बता रहे हो, मैं बताया ना कि जो माइनस टू माइनस प्लस सेवन प्लस बारह है इधर, वो कर दो इसमें। आया क्या, माइनस टू प्लस सेवन बारह, और फिर जो आता है उसको तीन बराबर भाग, तीन टर्म है तो तीन भाग में बांटो, क्या बताया गया ये, समझ पाए तो ठीक बात है। मैंने बताया है कि जो भी यहाँ प्लस टू माइनस प्लस सेवन और था उसको मैंने यहाँ कर दिया, और कर देने के बाद इसको तीन बराबर भागों में बांट दिया। अभी देखो नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, अगला सवाल देता हूँ। अगर मान लो देता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर देता है फाइव, मैं तो पूछता है कि भाई बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ए माइनस वन और इंटू बी प्लस टू और इंटू सी प्लस थ्री, बताइए इसका मैक्सिमम मान क्या होगा। किसी का आंसर, अभी जो बता रहा हूँ उसको करें। देखो बाबू ऑफलाइन में एक था कि आपके सवाल जवाब हम डायरेक्ट ले पाते थे, ऐसे में आपके सवाल जवाब उतने समझ में नहीं आते हमको, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझिए। कितना आंसर आएगा, देखो 27 बोल रहे हैं नागेंद्र, ईशा कुमारी भाई भी 729 बोल रही है, नागेंद्र 27 बोल रहे हैं, मिस्टर बोल रहे हैं 27, पीयूष पाठक बोल रहे हैं 27, नीतीश राणा 27, हीरो सत्यम 27, दिवाकर का है 729, 27 27 27, नागेंद्र 27, नित्यानंद कुशवाहा 27, पीयूष पाठक 27। मैं देखता हूँ सबसे पहले क्या करो कि इसको ऐसा बनाने का प्रयास करो। मैं क्या करूँगा कि मैं जोड़ दूंगा भाई साहब ए प्लस टू, सॉरी ए माइनस वन, तो माइनस वन तो यानी पाँच में से माइनस वन करेंगे, और प्लस बी प्लस टू, तो इधर में प्लस टू किया बाएं साइड में प्लस टू, तो दाहिने तरफ में भी प्लस टू करेंगे, और प्लस सी प्लस थ्री, तो आपने अगर बाएं तरफ में प्लस थ्री किया तो इधर भी प्लस थ्री करें, यानी कि सौ बात की एक बात माइनस वन प्लस टू प्लस थ्री है, तो माइनस वन प्लस टू प्लस थ्री कर दिया और इसको जोड़ दिया और तीन भाग में बांट देंगे, पाँच दो सात तीन दस माइनस वन यानी कि नौ, नौ को तीन बागर भाग में बांटेंगे तो तीन 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 मिलेगा जी, और अगर तीन तीन मिलेगा तो ये तीन बराबर भाग में मिलेगा, तो तीन गुने तीन ले लिया, ये तीनों बराबर हो गए तीन तीन के, तो तीन 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 नौतिया 27 इसका आंसर हो गया, क्या सही है सबका। अरे समझ पा रहे हो क्या सही है ये, तो ये आंसर आया कितना 27। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आपको स्पष्ट हो रहा होगा। पल्लवी, छोटू, धीरज, अमित, धर्मवीर, टिंकी, ऋषभ, राज, गया, आनंद, अमित, छोटू, तमाम लोगों का आंसर 27। अगला प्रश्न का आंसर देंगे आप, मुझे लगता है कि अब कुछ हद तक समझ में आया होगा। दिवाकर कुमार, सॉरी सर 27 होगा, रोशन 26 से भी कह रहे हैं, लिखने में गलती हुआ है। क्या कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो अगला सवाल देखिए, क्या कुछ समझ में आया क्या आपको, कुछ हद तक समझ में आया। ये एक एग्जाम्पल और लेता हूं और उसके बाद मैं देखता हूँ समझ में आया है कि नहीं। एक एग्जाम्पल और,
देखो बाबू, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13 दे रखा है और आपको ए माइनस फाइव बी प्लस तीन और सी प्लस सी सी माइनस दो बताइएगा ये आंसर इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस टू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। विकास पटेल गुड इवनिंग, बताइए आंसर इसका मैक्सिमम आंसर क्या होगा इसका। देख लो जो हिम्मत हार जाते हैं कि हमारे समझ के बाहर के बात हो, हम देखे ना करो, अब एकदम ना समझ में आवे तो अब छोड़ दो, हमारा एकदम ना समझ में आवे तो हम नजर डालो एक रथ पर तो एकदम टेंशन हो जाए तो। अरे आपको पहले देखिए तो सही, आप नजर डालो तो सही। देखो 27 सबका आंसर आना शुरू होगा, क्या समझ पा रहे हैं आंसर 27 है क्या। ईशा कुमारी देखिए, रंजय गुप्ता जो पिछले बार गलत, ईशा कुमारी का गलत था, शुभम पाठक, छोटू, मनीष, जितना का भी गलत था, अम्मीकांत का, सभी का आंसर इस बार सही है, मनीष कुमार गुप्ता। यानी कि आप लोग तमाम बातें समझ पाए हो, अगर आप समझ गए होंगे ना, अगर आप समझ गए होंगे सब लोग तो अब केवल इतना करना पड़ता होगा, अगर जो समझ रहे होंगे सब लोग सचमुच में आंसर अगर सही से लिख रहे हैं तो केवल आप इतना करना पड़ता होगा कि 13 में ही जोड़ना घटाना, 30 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 और इतने ही से हो जाता होगा भाई, ये हो जाता होगा कितना 9, और 9 अगर आ गया तो तोड़िएगा 9 तो 3 3 6 3 9 3 3 9 यानी कि 9 3 3 9 3 27 आंसर हो जाता होगा। क्या समझ में आया बात, अरे क्लियर है, सभी का आंसर 27 आया क्या, अभी लगता है कि सभी का आंसर 27 आया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बाबू इससे आगे, अगले सेक्शन का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज भर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आज सब लोग जुड़े हुए रहे हैं, बहुत बढ़िया से लगता है, पढ़ रहे हैं, होमवर्क करके जरूर रखिएगा। 27वां एक्सरसाइज, सॉरी 34 एक्सरसाइज अब आपका बनाना शुरू कीजिए, मैं आज बताया हूँ उससे बहुत बनेगा, लेकिन अगले क्लास में जो बताऊँगा उससे सभी किताबों का